आई एम मनजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर गैस एज वी नो दैट टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे हमने मल्टीपल प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है मींस अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में इनफॉर्मेशन लेनी है तो आप डायरेक्टली प्ले लिस्ट ओपन करेंगे हर एक टेक्नोलॉजी चाहे वो हमारा एज एडमिनिस्ट्रेटर हो आर्किटेक्ट की बात करें ए डब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट की बात करें गूगल क्लाउड ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव एज वर्चुअल लेकटॉप हर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी सो एज़ पर द मार्केट डिपार्ट एज पर द करेंट रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन uh, के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं आई एम प्लानिंग टू इस्टेब्लिश टू मोर प्ले और वो प्ले लिस्ट बहुत ही ज़्यादा डिमांड में चल रही हैं अभी अगर हम पिछले एक साल के एक्सपीरियंस की बात करें एक साल के अंदर अगर हम मॉनिटर uh, करने की बात करें तो इसमें यू नो दैट अबाउट डेब्स विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि बंदे को थोड़ा सा आर्किटेक्ट का पार्ट और थोड़ा सा डेब में डिटेल्स होनी चाहिए सी आई सी डी पाइपलाइन के बारे में उसको मालूम होना चाहिए जेंकिंस थोड़ा सा पता होना चाहिए राइट right? कम्यूनिटीज का आइडिया होना चाहिए तो आई एम प्लानिंग टू क्रिएट आई एम प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ न्यू प्ले लिस्ट और इस प्ले लिस्ट में हम आपको दोनों डेव क्योंकि एज भी आपको ऑप्शन देता है और ए डब्ल्यू एस के पास भी टूल्स uh, या सर्विसेज हैं जो डेबैप्स के लिए कंफर्टेबल हैं मल्टीपल टूल्स हैं एट टू टेन डिफरेंट टूल्स हैं जो कॉमन है और जो पॉपुलर भी हैं तो कहीं ना कहीं दोनों पोर्टल एजूर भी और ए दोनों ही पोर्टल अपने मीन्स प्लेटफॉर्म पे इन सभी टूल्स को इस्टेब्लिश कर रखे हैं मीन्स किसी भी डेवलपर के लिए राइट किसी भी डेवलपर के लिए कोई सा भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया जा सकता है बट यू शुड नो अबाउट क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट जो रहती है ज़्यादातर अगर आप जे देखेंगे तो उसमें मैंसन रहता है कि एज योर स्लैस ए सो इट मीन्स दैट अगर आपके पास दोनों की इंफॉर्मेशन है अगर आपके सी वी रिज्यूम है पे दोनों की इंफॉर्मेशन है कि हैव है अबाउट द डेबैप्स इन ए डब्ल्यू एस टूल्स एंड डेवेप्स विद एज यूर टूल्स सो कहीं ना कहीं चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आपके सी वी को पिक करने में राइट right? तो पहला एजेंडा ये है कि हम आपको डेबैप्स की एक प्ले uh, लिस्ट बहुत ही जल्द एस की स्टैब्लिश करने वाले हैं दूसरा आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट की वैसे ऑलरेडी हमने 35 के प्लस वीडियो अपलोड कर रखी है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में तो बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी रिसेंटली ए uh, ने सर्टिफिकेशन को चेंजेस किया है सर्टिफिकेशन नेम को भी चेंज किया और उसके अंदर जो कंटेंट हम यूज़ करते हैं ना वो कंटेंट भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है पहले जो सर्टिफिकेशन था वो ए जी थ्री जीरो थ्री एज यू नो दैट और अभी जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है आर्किटेक्ट के लिए वो 5, ए जी फाइव थ्री जीरो फाइव हो गया है तो सर्टिफिकेशन नेम के साथ साथ अगर आप इनके कोर कंटेंट को भी देखेंगे ना तो कई ज़्यादा गैप है अभी थोड़ा सा आसान कर दिया है बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा है तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको गाइड करने वाले हैं कि अगर आप आर्किटेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं राइट डेवेप्स का भी बहुत जल्द हम आपको वीडियो देने वाले हैं डेवेप्स के रिलेटेड पहले एस कवर करेंगे फिर ए कवर करेंगे राइट बट uh, अभी के लिए हम आपको आर्किटेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं एज थ्री के सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप तैयारी से करेंगे राइट तो बेसि स्टार्ट करते हैं पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टेंट के बारे में कोर्स कोड एग्जाम कोड AZ1, वन थ्री जीरो फाइव है और आप डायरेक्टली गूगल पे टाइप करेंगे ना तो यहां पे मल्टीपल लिंक आ जाएंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट के लिंक को ओपन कर देना है ये हमें गाइड करेगा मीन्स एक तरीके से ब्लू देखा देगा जिस ब्लू की मदद से हम अपने प्रिपरेशन करेंगे और फाइनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझ सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन से मेड्यूल में आ, कितना क्वेश्चन आता है क्या परसेंटेज रहता है और उन परसेंटेज उन क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए कितने परसेंट प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है चलिए थ्री था थ्री एग्जाम का कोड हो चुका है अभी हम बात करने वाले हैं प्रॉपर uh, सर्टिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या कंटेंट आपको आने चाहिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ए जी थ्री जीरो फाइव यानी आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है आप पहले सर्टिफिकेशन पहले एग्जाम कोड को आप गूगल पर टाइप करेंगे ये लिंक ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको ना बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया गया है कि एटलीस्ट आपके पास ब्लू मिल जाएगा अब देखिए यहाँ पर स्किल मेजर्ड में अगर यहाँ पर हम बात करें तो स्किल मेजर्ड में चार डिफरेंट मेड्यूल इन्होंने दे रखे हैं डिज़ाइन आइडेंटिटी गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग सोल्यूशन जो 25 से 30 परसेंट आपकी हेल्प करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में डिज़ाइन डेटा स्टोरेज सोल्यूशन 25 से 30 परसेंट इसमें भी डिज़ाइन बिजनेस कंटिन्यूटी सोल्यूशन 10 से 15 परसेंट का और डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन में 25 से 30 परसेंट का आपको uh, ठीक है सो ये अपने पास चार मेड्यूल आप मान सकते हैं इन चारों मेड्यूल को हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करना है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता है भी रिसेंटली uh, कोविड uh, uh, की वजह से या फिर पैंडेमिक uh, की वजह से जो एग्ज़ाम है वो आप घर से बैठ के दे सकते हैं यू नो दैट आपका सेटअप होना चाहिए आपके पास लैपटॉप इंटरनेट और एक सेपरेट uh, रूम होना चाहिए आप एग्ज़ाम कोई सा भी दे सकते हैं सो एग्ज़ाम वर्क फ्रॉम एग्ज़ाम एग्ज़ाम फ्रॉम होम की वजह से इन्होंने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चन सीनेरियो बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड आने लगे हैं तो डेफिनेटली आपके पास प्रैक्टिकल की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो आई एम प्लानिंग टू गिव यू कंप्लीट डिटेल ऑफ एज यू आर्किटेक्ट ए जी थ्री जीरो फाइव जिसमें हम आपको हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल बेस्ड एज यू नो दैट टीचमिंग क्लाउड के पास जितनी भी प्ले लिस्ट हैं आप देखेंगे तो हर एक में प्रकटिकल बेस्ड है नो मैटर की थोड़ा सा वैल्यू इसकी कम होती है क्योंकि फ्री में मिल जाता है तो इसकी वैल्यू कोई भी नहीं करता अगर हम यही कोर्स अगर आप बात करें तो uh, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अगर हम सेल करें तो थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड तो ईजिली मिल जाएगा राइट right? तो प्लीज़ आप नॉट आस्किंग फॉर एनी अमाउंट फ्रॉम यू गाइज आप सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं इट्स इन अ फॉर्म ही बिकॉज यू नो दैट जो वीडियोस क्रिएट करने में या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में यू नो दैट एफर्ट तो लगते ही हैं तो आई जस्ट वांटेड टू कि डू सब्सक्राइब टीच मी क्लब यूट्यूब चैनल और शेयर करो अपने कुलिक के साथ फ्रेंड्स के साथ जिसको भी प्रिपरेशन करनी है हर एक प्रैक्टिकल हर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ, या नई जॉब के लिए वो सभी आपको एक ही पैनल पे मिल जाएगी ठीक है तो कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे पहला जो मॉड्यूल है इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं देखिए आपने यहाँ पे गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग सॉल्यूशन पहले दे दिया है डिज़ाइन सॉल्यूशन फॉर लॉक इन एंड मॉनिटरिंग जिसमें आप अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेंगे डिजाइन अर लॉक रूटिंग सोल्यूशन उसके बाद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लॉग इन क्या क्या uh, हो सकता है और मॉनिटरिंग सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी पार्ट इन्होंने कोशिश किया है कवर करने की तो ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे अपने एजर पोर्टल पर ऑथेंटिकेशन मेथड दे दिया है मींस जो एक्टिव डायरेक्टी जो हमारा ए जी वन जीरो फोर के केस में पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटर के केस में जो ए वगैरह पढ़ा था ऑथेंटिकेशन यूज़र बनाना आई के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना यहाँ पे इन्होंने सेपरेट कर दिया ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन के लिए जिसमें आपकी आ, जिस जिसमें आरबैक के सर्विस के जरिए कि आप कैसे ऑथराइज करते हैं किसी रिसोर्स के को एक्सेस करने के लिए मैनेज करने के लिए तो वो सभी पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे एंड After that access for application uh, design identity for uh, and access for application एक्टिव डायरेक्ट के जरिए कैसे आप स्टोरेज को एक्सेस करते हैं एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं कैसे आप वर्चुअल मशीन को और साइन करेंगे right uh, तो मल्टीपल सर्विस देख, देखने को मिलेंगे यहाँ पे आर्किटेक्ट के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं इन कॉन्टेंट की वजह से कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है आर्किटेक्ट की तरफ ज़्यादा मूव होती है कि एटलीस्ट अगर हमें आर्किटेक्ट वाला बंदा मिलेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एज्यूर पोर्टल पर सर्विसज हमने परचेज कर रखी हैं वो आर्किटेक्ट का बंदा हमें हमारी सर्विसेज को आसानी से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मैनेज भी कर पाएगा डिज़ाइन डेटा स्टोर सोल्यूशन तो डेटा स्टोर सोल्यूशन में डेटा की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लाइक जो भी डेटा बेस वगैरह होते हैं स्केलेबिलिटी क्या होता है ट्रांसमिशन क्या होता है एपीआई क्या होते हैं इनक्रप्शन क्या होते हैं ये सभी पार्ट हम डेटा के केस में बात करेंगे डिज़ाइन डेटा इंटीग्रेशन कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे डेटा इंटीग्रेशन के केस में दो अलग डेटा सेंटर को एड करना ऑन ऑनप्रोमाइसिस के डेटा को मैनेज करना राइट रिटेंशन टाइम क्या होता है बैकअप क्या होता है स्कैडूलिंग क्या होती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे एंड उसके बाद रिकवरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजास्टर रिकवरी जो आपका बैकअप एज रिकवरी सर्विस वर्ल्ड के जरिए किसी भी सर्विस का बैकअप लेना या कभी रे, रेप्लिकेशन तैयार करना तो वो पार्ट आपका कवर होगा इस पर्टिकुलर डील में हाई अवेलेबिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूसन जो कि वर्चुअल मशीन बेस्ड कंप्यूट सोलूशन वर्चुअल मशीन की पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्फिग्रेशन साइज वर्कलोड है ना कंटेनर्स के थ्रू सर्वरलेस के जरिए कैसे आप इंस्टेंस वगैरह को मैनेज करते हैं वो सभी पार्ट हम अपने ए जी थ्री जीरो फाइव में कवर करने वाले हैं तो ये पूरा कॉन्टेंट रहेगा डिज़ाइन नेटवर्क सोल्यूशन डिजाइन माइग्रेशन माइग्रेशन का पूरा पार्ट ऑन प्रोमाइसिस चीज़ों को क्लाउड पर ले जाना या फिर क्लाउड टू क्लाउड पर मूव कराना नेटवर्क सोल्यूसन में आप वर्क लोड कैसे इस्टैब्लिश करते हैं लोड बैलेंसर टाइप्स क्या होते हैं कनेक्टिविटी में वीपीएन हो गया और आपका वीनेट हो गया कैसे आप अपना खुद का नेटवर्क इस्टैब्लिश करते हैं क्या क्या सिक्योरिटी उसमें यूज़ होगी इन सभी पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये एजेंडा हो गया ये डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन uh, uh, में सेंड कर दूंगा ये जो डिटेल्स है आप ये गाइड जो एग्जाम गाइड है इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं और आप हमारी वीडियो से मैच करा करके तैयारी कर सकते हैं वन बाय वन करके क्लास वाइज जैसे अदर वीडियो हमने प्रोवाइड कर रखी हैं क्लास वाइज डे वन डे टू डे थ्री लाइक दैट तो उसी तरीके से हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे हर एक वीडियो की जो ड्यूरेशन होगी डिपेंड करता है कॉन्टेंट के ऊपर पंद्रह मिनट बीस मिनट पच्चीस मिनट आधे घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है इंपलीमेंट करता है कि हमारा प्रैक्टिकल कितना ज्यादा इंप्लीमेंट करना है गाइस दैट्स इट ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी तो दो अपकमिंग प्लेलिस्ट uh, आने वाली है आपके पास रीचमी क्लाउड के ऊपर सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट आर्किटेक्ट और बहुत ही जल्दी हम आपको डेव वेब्स इंजीनियर भी बनाने वाले हैं आज के लिए इतना ही टेक केयर बाय बाय